नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन में। गुजरात राज्य के जल आपूर्ति मंत्री कुंवरजी बावनिया द्वारा विंछिया में दिव्यांग साधना सहाय मूल्यांकन शिविर खोला गया, जहां 350 दिव्यांगों का ऑन द स्पॉट पंजीकरण हुआ। राज्य के जल आपूर्ति और खाद्य आपूर्ति मंत्री कुंवरजी बावनिया ने विंछिया जन स्वास्थ्य केंद्र में दिव्यांग साधना सहाय मूल्यांकन शिविर का उद्घाटन किया। मंत्री ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का दौरा किया और विकलांग लाभार्थियों से बातचीत की। बता दें कि राज्य सरकार के मार्गदर्शन में राजकोट जिला प्रशासनिक प्रणाली और संबंधित विभागों के सहयोग से सभी लाभार्थियों के बीच विकलांगता की श्रेणी के अनुसार पात्र लाभार्थियों के लिए तालुका स्तर पर विशेष उपकरण सहायता मूल्यांकन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। गुजरात के अमरेली में गुजरात राज्य के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पंसेरिया ने गुजेरा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स अमरेली के छात्रों को जीवन मूल्य सिखाया। छात्र जीवन में शिक्षा के साथ साथ मूल्यों के महत्व को समझने के उद्देश्य से अमरेली के शांताबा गजेरा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में आयोजित समारोह में शिक्षा मंत्री ने कक्षा 11 से कक्षा 12 के छात्रों के साथ संवाद किया। शिक्षा और जीवन विकास के संबंध में मंत्री ने अपने भाषण में लोगों से आत्मज्ञान, शील, सम्मान और संस्कारित शिक्षा प्राप्त कर मूल्य आधारित जीवन जीने की अपील की। उन्होंने छात्रों को जीवन मूल्य का पाठ पढ़ाते हुए भागवत गीता के विभिन्न अध्यायों और श्लोकों और उनके अर्थों को समझाया। उन्होंने प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा कि जीवन यापन के लिए केवल रोजगार परक शिक्षा ही प्राप्त नहीं है, जीवन में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। भगवत गीता का सार और उसके मूल्य जीवन की निराशा, अवसाद और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में उपयोगी है। गुजरात सरकार के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग की प्रधान सचिव ममता वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का 10वां संस्करण 10 और से लेकर 12 जनवरी तक गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। इस बार पहली बार महात्मा मंदिर कन्वोकेशन हॉल में एनाफॉर्मिक प्रोजेक्शन सुविधा का उपयोग किया जाएगा। वाइब्रेंट गुजरात जो 10, 11 और 12 जनवरी को जो होने वाला है, उसमें जो सारी वेन्यू से रिलेटेड सारी तैयारियां चल रही हैं और उसके हमारी पूरी कोशिश है कि जितने लोग आएंगे, 15,000 से 18,000 जो डेलीगेट्स आने वाले हैं अलग, उन सब के लिए एक स्मूथ एंट्री हो वेन्यू के अंदर और उनको अच्छी तरह से इंटरेक्शन वो लोग कर सकें और वो लोग अच्छी तरह से B2B की मीटिंग कर सकें, B2G की मीटिंग कर सकें, इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। हमने वहाँ पर जो B2B मीटिंग्स के लिए और B2G मीटिंग्स के लिए हमने एक एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 में उसकी तैयारी किया है। करीब 34 कंट्री लाउंजेस की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स, गुजरात सरकार के डिपार्टमेंट्स के लिए भी वहां पे शैले की व्यवस्था की गई। गुजरात ST कॉर्पोरेशन के अत्याधुनिक डबल डेकर AC इलेक्ट्रॉनिक बस का शुभारंभ गिफ्ट सिटी से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया, जहां परिवहन राज्य मंत्री हर संघवी की प्रेरक उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम ST राज्य में पहली बार अत्याधुनिक डबल डेकर AC इलेक्ट्रॉनिक बस लॉन्च की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नत बुनियादी ढांचे, सड़क कनेक्टिविटी और प्रभावी सार्वजनिक परिवहन को गतिशीलता की रीढ़ बताया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व और परिवहन मंत्री हर्ष सांघवी के मार्गदर्शन में गुजरात ST प्रधानमंत्री की इस सोच को निगम ने साकार किया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिटी 2024 के तहत गुजरात राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने सुरक्षा और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ महात्मा मंदिर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वहां कहा कि प्रधानमंत्री ने 5T यानी प्रतिभा, परंपरा, पर्यटन, व्यापार और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से गुजरात के समग्र विकास के लिए एक अद्वितीय दृष्टिकोण दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने संबोधन करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश के विकास की पतंग
आसमान में ऊंची उड़ान भर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के परिणाम स्वरूप देश के उद्योगों के विकास से देश की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंची है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में गुजरात के सभी पर्यटन स्थल धीरे धीरे विकसित हुए हैं। आज पतंग का कारोबार कई कामकाजी लोगों का सहारा बन गया है। वाइब्रेंट गुजरात समिति 2024 में भाग लेने के लिए गुजरात आए तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा का अहमदाबाद हवाई अड्डे पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जहां ऋषिकेश जिला मार्ग पर सोमवार शाम को बड़ा हादसा हो गया। सड़क हादसा दुर्घटना में 2 रेंजर समेत 4 की जान चली गई। वाहन में 5 लोग सवार थे। घायलों को एम्स अस्पताल पहुंचाया गया। मिली जानकारी के अनुसार विभागीय अधिकारी नई गाड़ी का ट्रायल कर रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। हादसे की खबर सुनते ही मृतकों के जो परिजन है वो बिलख पड़े। वन्य जीव प्रतिपालक आलोकी की नहर में गिरने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की खबर मिलने के बाद ही वन अधिकारी मौके पर पहुंचे। वाहन में 5 लोग सवार थे। घायलों को ऋषिकेश एम्स लाया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी का टायर फटने और अनियंत्रित होने की वजह से यह हादसा हुआ है। बैराज जिला मार्ग पर वन विभाग की एक गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई है। घटना में 5 वन अधिकारियों की मौत हो गई है, जबकि 4 अधिकारी गंभीर रूप से घायल होकर एम्स में भर्ती हैं। एक महिला वन अधिकारी चीला नहर में लापता बताई जा रही है, जिसकी तलाश SDRF की टीम कर रही है। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के मुताबिक सोमवार के करीब शाम 4 बजे सूचना मिली थी कि चीला बैराज वन पर विभाग की गाड़ी टायर फटने की वजह से पेड़ से टकराकर पलट गई है। सूचना के आधार पर पुलिस, वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी और घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर 4 वन अधिकारियों के शव पड़े हुए दिखाई दिए, जिनका पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। 5 घायलों को वन विभाग के कर्मचारी एम्स ऋषिकेश लेकर पहुंचे, जहां एक अधिकारी ने उपचार के दौरान ही दम तोड़ दिया। एक महिला वन अधिकारी चीला नहर में गिरने की वजह से लापता बताई जा रही है, जिसकी तलाश SDRF की टीम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक घटना में मरने वाला एक वन अधिकारी उत्तराखंड कैडर के IPS के चचेरे भाई बताया जा रहा है। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि घायलों की पहचान हिमांशु गोसाई, राकेश नौटियाल, अंकुश अमित सेमवाल, अरविंद के रूप में हुई है, जबकि मृतकों की पहचान सैलेश घिलेडियाल, प्रमोद ध्यानी, सैफ अली खान के रूप में हुई है। एक महिला अधिकारी आलोक की अभी लापता है, जो दुर्घटना के समय छिटक कर गंगा नहर में गिर गई थी। उसकी तलाश जारी है। वन मंत्री ने दिए जांच के आदेश के बाद फोन पर हम वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दुख जताते हुए फोन पे हमसे वार्ता की। क्या कुछ कहना है वन मंत्री का, एक बार सुनते हैं। आपको उसके दुर्घटना का पता लग गया होगा भाई जी, जो चल गया यार। जी जी, तो नेताजी जरा बयान चाहिए था ना। मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं इसमें। जी जी जी, है ना। जी जी, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, गाड़ी एक नई गाड़ी आई थी क्योंकि जिप्सी बंद हो गई। जी जी जी, तो जिप्सी के विकल्प के रूप में इस गाड़ी को हम लोग अपना रहे थे। जी जी जी, और ट्रायल मैं भी ले चुका, हॉप भी ट्रायल ले चुके, सभी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भी ट्रायल ले चुका था। जी जी, अरे किन कारणों से ये हुआ। जी जी, तो इसकी जांच के आदेश दे दिए गए, और बहुत अच्छे अफसर थे हमारे, बहुत दुखद है। जी जी, है ना, यही होता है। बाकी मेरा ऑफिशियल बयान जारी कर रहे हैं। जी 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 जी, ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है भाई। वहीं चिला में कल हुए हादसे से वन मंत्री दुखी हुए। उन्होंने एक वीडियो संदेश भेजा है, जिसमें शोक संदेश में उन्होंने बताया कि जिप्सी गाड़ी अब बननी बंद हो गई है, तो उसके बदले इलेक्ट्रिक गाड़ी जो अब नए रूप में विभाग को दी जानी थी, उसका ट्रायल चल रहा था। उस गाड़ी का ट्रायल लगभग सभी ने लिया था, मंत्री जी भी ले चुके थे। ट्रायल ये अंतिम रूप में ट्रायल था, और अचानक से उसका टायर फट गया और इतना बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि वन में पेट्रोल गाड़ी या इलेक्ट्रिक गाड़ी की ही चल सकती है, डीजल की नहीं चल सकती है, क्योंकि वो आवाज़ ज़्यादा करती है और उससे जंगली जानवर परेशान होते हैं और शायद आक्रमण भी कर दे। इसके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी का सुझाव लिया गया था। वन मंत्री सुबोध उनियाल इस समय बाहर हैं। उन्होंने अपने वीडियो से संदेश भेजा है और कहा कि इस घटना से खासे दुखी भी हूँ और जल्द लौटने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि उनके घर वालों और परिजनों को संतावना देते हुए भगवान से प्रार्थना की उनको हिम्मत दे इस दुख की घड़ी में, और
घायलों के जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना भी की है। दुर्घटना का मुझे पता चला, मैं यहाँ पर एक मीटिंग को लेकर के भुवनेश्वर आया हुआ हूँ और मुझे इस दुखद घटना की सूचना मिली जिसमें हमारे विभाग के 4-2 रेंज ऑफिसर्स और एक SDO मिसिंग है, 4 लोगों की डेथ भी है और 5 लोग एम्स में भर्ती हैं। बहुत ही दुखद घटना है। ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, जब से जिप्सी का निर्माण बंद हुआ। श्रीनगर में ट्रक जो सितारगंज से गल्ला गोदाम श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल का चावल लेकर आ रहा था, NHDPC मोड देवप्रयाग के पास खाई में गिर गया, जिससे चालक जगदीश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जिसको SDRF की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। चालक के परिजनों को सूचित किया जा रहा है, साथ ही आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर महार जाति से आते थे और उनके द्वारा बौद्ध धर्म को भी अपनाया गया था, मगर आज बाबा भीमराव अंबेडकर की महार जाति उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से विलुप्त हो गई है। ये बात हम नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप ने उठाई है। इसके द्वारा सरकार से मांग की गई है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर हमारी जाति के लोगों को ढूंढा जाए, नहीं तो हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप का कहना है कि हम इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारी जाति के लोगों को ढूंढा जाए, इस मामले में मुकदमे दर्ज हों कि आखिर आज़ादी के बाद हमारी जाति के लोग कहां चले गए। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हमारे द्वारा आंदोलन किया जाएगा। इनका कहना है कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जाति ही विलुप्त हो रही है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। ब्रिटिश शासन में जातिगत जनगणना में महार जाति के लोगों की संख्या 11,95,370 थी, मगर अब ये लोग कहाँ चले गए, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। 1976 की परवालों की 1976 महिलाएं और 1581 पुरुष निवास करते हैं, और जब जनगणना 2011 में होती है उस जनगणना में पूर्ण रूप से विलुप्त कर दिया है। हम सरकार से हमारा सवाल है, परिवार के लोग गुम हुए हैं, उन लोगों को तलाश किया जाए, हमारी गुमशुदगी दर्ज की जाए, हमें बताया जाए कि वो हमारे परिवार के लोग मार दिए गए, आखिर गए तो गए कहां। वहीं हरदोई के मयूर हॉस्पिटल में एक नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। यहां काफी देर तक हंगामा हुआ। प्रकरण को लेकर CMO ने बताया कि नोडल अधिकारी को प्रकरण की जांच सौंपी गई है, जांच रिपोर्ट आने के बाद FIR और हॉस्पिटल बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली शहर के काशियारापुर निवासी विजय कुमार की पत्नी शिल्पी को घर पर ही नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। विजय कुमार ने बताया कि जहां पर प्रसव होने के कुछ देर बाद नवजात शिशु की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन गांव की ही आशा बहू को बुलाया। आरोप है कि आशा बहू उन्हें शहर में कोतवाली क्षेत्र के सर्कुलर रोड पर निकट आलू मिल के पास स्थित मयूर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज शुरू किया गया। विजय कुमार का आरोप है कि इलाज के अभाव में नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा काटना शुरू कर दिया। इस पर वहां पर मौजूद कर्मचारी और डॉक्टर उन्हें अस्पताल से बाहर जाने की बात कहे। हालांकि काफी देर तक अस्पताल परिसर में ही हंगामा होता रहा। CMO डॉक्टर रोहतेश कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी के लिए नोडल अधिकारी को अस्पताल भेजकर जांच कराई जा रही है, उसके बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं लोगों का आरोप है कि जिस अस्पताल में इलाज के अभाव में नवजात शिशु की मौत हुई है, वहां पर जिस डॉक्टर के नाम से अस्पताल का रजिस्ट्रेशन है, वो डॉक्टर वहां पर नहीं पहुंचते हैं, जबकि अप्रशिक्षित लोगों को बुलाकर प्रसव भी कराए जाते हैं, लेकिन जिम्मेदार इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मयूर हॉस्पिटल में जो बच्चे की डेथ का कारण जो है, वो मैंने वहाँ के जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर मनोज आयुर्वेद के चिकित्सा अधीक्षक है, उनको जो भेजा है मैंने,
और वहाँ मैंने देखा है कि अगर अनरजिस्टर्ड है वो, और या फिर उनकी लापरवाही से बच्चा खत्म हुआ है, उसका वो अभी देखेंगे, जाके वहाँ पर निरीक्षण करेंगे, और अगर बच्चा उनकी लापरवाही से करा वो खत्म हुआ है तो मैंने बोला है उन्हें कि तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हरदोई के संडीला इलाके में संडीला कसिमपुर पुलिस और स्वाट एसओजी टीम के साथ बदमाशों की हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 25,000 का बदमाश घायल हो गया। घटना में एक दरोगा, एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। बदमाश के पास से एक तमंचा, कारतूस, खोखा और बाइक बरामद हुआ है। यह इनामी पाली के कपड़ा व्यापारी के अपहरण कांड में फरार चल रहा था। मामले की जानकारी देते हुए एसपी केशव चंद गोस्वामी ने बताया कि पाली थाना क्षेत्र के बारी निवासी कपड़ा व्यापारी रामजी मिश्रा का अपहरण बीते 19 दिसंबर को दुकान से गांव जाते समय कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने 20 लाख रुपए की फिरौती रामजी के परिजनों से मांगी थी। इसके बाद 22 दिसंबर को एसटीएफ और हरदोई पुलिस की संयुक्त टीम ने पाली थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद रामजी मिश्रा की सकुशल खोज निकाला था। पुलिस अलग अलग मुठभेड़ों में 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें बाराबंकी निवासी आरोपी शाबिर पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। मैं केशव चंद गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक हरदोई। आज संडीला थाने के में चेकिंग चल रही थी, जहां मेरी स्वाट टीम, सर्विलांस टीम भी थी उनके साथ। इसी दौरान सूचना मिली कि औरास उन्नाव की तरफ से एक बदमाश मोटरसाइकिल से आ रहा है, जो कोई घटना करने के फिराक में है। इस सूचना पर हमारी संडीला की टीम, स्वाट टीम और थाना कासिमपुर की टीम ने घेराबंदी किया, तो बदमाश ने अपने को घिरा देखते हुए पुलिस पर फायरिंग करना शुरू किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग किया, जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। उसे गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में हमारे एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही भी घायल हुए हैं संडीला थाने के। पूछताछ पर उस अभियुक्त ने अपना नाम साबिर सन ऑफ इसराफिल जनपद बाराबंकी का निवासी बताया, जो कि 19 दिसंबर 2023 को अपहरण की घटना में शामिल था, जिसमें रामजी मिश्रा व्यापारी का अपहरण हुआ था और इसके ऊपर मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसे गिरफ्तार किया गया है और इसको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में फिर पत्थर खदान में बड़ा हादसा हो गया, जहां बोल्डर लोड कराने जा रही टीपर खदान में गिर गई। लगभग 300 फीट ऊपर से खदान की खाई में टीपर ट्रक गिर गई। सूत्रों की माने तो टीपर गिरने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। नियमों को दरकिनार कर हद से ज्यादा गहरी खदानों में खनन हो रहे हैं, जिसके कारण ये हादसा होता चला जा रहा है। चालक घंटों टीपर के नीचे दबा रहा। मौके पर मौजूद मजदूरों की भारी भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि खदानों में हादसे लगातार जारी हैं, जहां खदान मालिकों द्वारा खान सुरक्षा सप्ताह को ताक पर रखते हुए लगातार मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। घटना ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मरकुंडी खनन क्षेत्र का है। खबर गोंडा से है, जहां आज भारतीय कुश्ती संघ के निर्वात अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण सरन सिंह का जन्मदिन मनाया गया। नंदिनी नगर महाविद्यालय परिसर में जन्मदिन को युवा ज्ञान शक्ति संगम समारोह के तौर पर मनाया गया। युवाओं को सम्मानित करने के बाद रंगारंग कार्यक्रम के अलावा देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि कलयुग में मोदी त्रेता युग ले आए हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के बाद कलयुग आता है। मोदी ने कलयुग और त्रेता युग के गैप को दूर कर दिया है। 22 जनवरी जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, त्रेता युग नजदीक आ रहा है। वहीं सांसद ने कहा कि ये विचारों की लड़ाई है और राम मंदिर निर्माण भी विचारों की लड़ाई है। जिस तरह से देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध हुआ था, वैसा माहौल चल रहा है। वहीं विपक्ष पर हमलावर होते हुए सांसद ने कहा कि विपक्ष यूनिवर्सिटी के लीडर की तरह राजनीति कर रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह से विपक्ष काम कर रहा है। विपक्ष कोरोना की दवाई, सर्जिकल स्ट्राइक और सनातन पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं सांसद ने राहुल की न्याय यात्रा पर टिप्पणी की और कहा कि छात्र नेता जितनी समझ भी राहुल को नहीं है। राम मंदिर पर सवाल उठाना राहुल की नादानी है। सांसद ने दोहराया कि जिनको राम और सनातन से परेशानी हो वो शर्म करे और मोदी ने कलयुग में त्रेता युग ला दिया है। देखिए, विचारधाराओं की लड़ाई है हमेशा रहा है। दैत्यों का और देवताओं का भी, और
जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, तो आज जो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे, और फिर ये लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। ये कोई अलग नहीं है, ये वही लोग हैं जो तारीख पूछते थे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख आ गई तो इनका दर्द बदल गया, और ये कोई आज की बात नहीं है, सदैव विचारधाराओं का संघर्ष रहा है, लेकिन जीत हमेशा सनातन की हुई है और सत्य के रास्ते पर चलने वाली। बहराइच में जिले के एसपी प्रशांत वर्मा का बीते दिनों तबादला हो गया। सरकार ने चित्रकूट जनपद की पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला को जिले की कमान सौंपी थी। आज उन्होंने जनपद पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण किया। चार्ज लेने के बाद पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि शासन की प्राथमिकता ही हमारी प्राथमिकता है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के साथ ही जिले और थाना स्तर पर सूचीबद्ध टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। उसकी समीक्षा के साथ ही मादक पदार्थ की तस्करी और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि थाने में आने वाले पीड़ितों की बात को ध्यान से सुनकर निष्पक्षता के साथ उसका निस्तारण करने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। वहीं कासगंज में हजारा नहर में कंटेनर चालक कूद गया। कानपुर से कंटेनर लेकर चालक खाटू श्याम जा रहा था। बीते दिवस कंटेनर चालक अंकित रास्ते में अपने घर पर रुका था। चालक अंकित घर से कंटेनर लेकर खाटू श्याम के लिए निकला था। परिजनों का कहना है कि हजारा नहर पहुंचकर उसने अपने जीजा को नहर में कूदने की फोन पर सूचना दी थी। सूचना पर पुलिस और परिजन पुल पर पहुंचे। पुलिस गोताखोरों की मदद से नहर में चालक की तलाश कर रही है। चालक का अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। घटना धोलना कोतवाली के भगवंतपुर पुल की है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।